भी तुम्हारा आ गया पापा जा रहे हैं इंडक्शन परचेज करने के लिए कंफर्म। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आद्रिका स्टडी कर रही है, स्टडी करने के बाद क्या करेगी आद्रिका? खेलो खेलो करेगी नहीं, नाश्ता नहीं करेगी क्या? आज छुट्टी है नाश्ता करेगी आद्रिका आज। और नाश्ते में क्या है? नहीं, सैंडविच नहीं, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे, वो भी गोल गोल मोटे मोटे प्यारे प्यारे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो भी देसी घी के। और आलू के पराठे के लिए देखिए, पहले हमने थोड़ा सा गीला कर लिया था और इसको अब ऐसे ही बैंड करेंगे। जितना अच्छा आटा सनेगा, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे हमें, जितना अच्छे से ये मिक्स होकर अच्छे से बाइंड होगा, और थोड़ी देर रखने के बाद बहुत मुलायम मुलायम क्रिस्पी क्रिस्पी पराठा बनेगा। और इसमें हमने थोड़ी सी अजवाइन और नमक डाल दिया ताकि वो टेस्ट जो है आलू के साथ बहुत ही अच्छा लगे और यम्मी यम्मी लगे। उसके साथ गरम गरम अदरक की चाय होगी। चलिए ये देखिए गाइस, हमने आलू छील के और धनिया मिला के थोड़ा सा रेड चिली, क्योंकि बच्चे खाएंगे इसमें थोड़ा सा रेड चिली, और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी आटे में नमक डाल रखा था, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कम डालेंगे और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आप मम्मी से सीखा करिए। बच्चों से पूछते हैं कैसा पराठा बना है। आद्रिका आराध्या सही है? चले हम बाबू को जल्दी भोग लगाते हैं, फिर आते हैं हम तुमसे पूछ रहे हैं कैसा टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? बढ़िया। अभी तो मम्मी ने पनीर के पराठे बनाए, ऊपर से ये देखिए और सॉस भी रख दिया। वाह पराठा ही ये देखो मेरे, हम दोनों होटल में। कैसा लग रहा है? तुम्हारा कौन सा पराठा है, पनीर का या आलू का? आलू आलू का। अरे खोल के दिखाओ ना गाइस को, ये चर चुका है, खा के दिखाओ। काट लो, मैं भी काट के दिखाऊं। कहाँ जा रहे हैं? घूमने। देखिए चश्मे में ये दोनों दिख रहे हैं ना आपको, इनके हैंड है। ओहो घूमने जा रहे हैं ना, क्योंकि संडे इज फंडे आल्सो। पापा जी निकाल रहे हैं, मैं जा रही हूँ। गाइस बीच रास्ते मस्ती करने के लिए हम लोग वहाँ ले जा रहे हैं। चार लोग एक पैकेट स्नैक्स। अरे मम्मी नहीं खाएंगे ना? मम्मी तो जरूर नहीं। देखिए मम्मी गैराज का गेट बंद कर रही हैं, ये देखिए अब बंद नहीं हो पा रहा है। गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं चलने के लिए। अरे केक कट रखा है, हैप्पी बर्थडे। ओ पापा रेडी? एंड आई आल्सो हैव चश्मा। रोज हम आपके साथ। लेकिन ये लंच करना खुशी नहीं मजबूरी है। उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको क्या मजबूरी है। पता क्या आ गया? नहीं अभी बताएं। शंकर भगवान की जय। चलिए गाइस देखिए पापा जी पैसे निकालने गए हैं। ये हम लोग जा रहे हैं, नाम है कि बाहर हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग की ये मजबूरी है क्योंकि आज जो इंडक्शन था वो भी हमारा बिल्कुल ख़राब हो गया, और गैस भी नाश्ता करते टाइम ही ख़राब हो फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई। अब हमारे पास मजबूरी बस यही थी कि हमको बाहर खाना खाना पड़ रहा है,
दिन से पापा से कह रहे थे ना कि बाहर खाना खिलाओ, लेकिन पापा क्या कह रहे थे, आज नहीं गर्मी है, गर्मी है। अद्रिका उन लोगों को पापा ले नहीं जा रहे थे ना, उन लोगों को कह रहे थे एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए चल ले। पहले कह रहे थे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो दूसरे दिन पार्टी देंगे हम, तुम सारा दिन तुम लोग सब कुछ खाती पीती रहे। और फिर चलो हम लोग एग्जाम खत्म कर लिए, फिर उसके बाद बोले कि फिर देंगे, नेक्स्ट टाइम देंगे, चलो अगला संडे, अगला संडे ठीक है भाई। लेकिन आज वो दिन आ गया है कि बराते आइयो, इसीलिए यस अद्रिका, ये अद्रिका गाइस ये देखिए भोले बाबा का मंदिर, और कितना पेड़ों के बीच बना है, कितना सुंदर लग रहा है। अद्रिका क्या खाएगी आज लंच में? लंच करने आए उसमें हम लोग की बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि आज हमारे यहाँ गैस भी खत्म हो गई है, इंडक्शन था, इंडक्शन भी खत्म हो गया, इसलिए भगवान चाहता है कि इन लोग को आज लंच कराया जाए। पापा मजबूरियों के साथ गणेश पूजा जो इन्होंने करी है उसमें इन्होंने यही मांगा है कि भगवान मुझे बाहर लंच करवाए पापा, और कल ही विसर्जन हुआ है और आज मनोकामना पूरी हो गई। वाह ये देखिए गाइस मेरा डोसा आ चुका है, लॉन्गेस्ट डोसा इन द वर्ल्ड, और इतना बड़ा डोसा। देख क्या टेस्ट अच्छा होगा खाते बहुत अच्छा। हम हमेशा आप लोगों ये भी तुम्हारा आ गया ये देखिए मोमोज के दीवाने तक छोड़ दिया। के दीवाने अलग ही बात है भाई, यहाँ पे बेस्टी लगाते हैं इसके ऊपर की, लोग इसे आइसक्रीम समझते हैं, पर खा के गधे को हमसे पूछा। और ये मेरा डोसा आ गया, ये डेकोरेट इतना क्यों है, इतना आपका पनीर भी आपको पनीर है ना, ये पहचान है इसकी। और क्या है अब ऑर्डर किया हम लोगों ने, तंदूरी चाय दिखाना अद्रिका, नहीं अद्रिका नहीं पिएगी, मम्मी पिएगी दोनों, बहुत गर्म है इन्हें, नहीं मम्मी पिएगी बस, तो तंदूरी की तरह वैसे भी हो तभी क्या जरूरत है, तंदूरी पानी पिलाते तुम्हें। कह रहा था कि कल सुबह होते ही हम लोग नाश्ता बाहर करेंगे, अब पूरी लिस्ट थमा दी, आज तो नाश्ता तगड़ा होगा, वो भी मम्मी कहाँ बनाएगी, अपने किचन में। और उसी समय गाइस इसी ब्रेक मतलब इसी मिडिल पे ही गैस खत्म,
नहीं पता, सब लोग खा चुके थे और जैसे ही पापा की बारी आई गैस खत्म।